How are you? I hope you all are fine. And I'm also fine. Today, I'm going to teach you the multiplication tables. And firstly, I teach you the table of 2. Okay? आज हम लोग multiplication के tables के बारे में पढ़ेंगे. Like table of 2, table of 3, table of 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? हम लोग इसी तरीके से हमने जो pattern यहाँ पे follow up किया है, इसी pattern से हम लोग हमारे tables को write out करेंगे. ठीक है? मैंने यहाँ पे 10 रोज बनाई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके 10 रोज है हमारे पास में. उसमें मैंने यहाँ पे कुछ सर्कल्स बनाए हुए. फर्स्ट रो के अंदर मैंने 2 सर्कल्स बनाया है. इट मीन्स मैं कितने की टेबल राइट कर रही हूँ यहाँ पे 2 की टेबल. ठीक है देन 2 वन टाइम के लिए हमारे पास में 2 का सर्कल. हमने यहाँ पे टाइम्स राइट किया. ठीक है ये है जितने सर्कल्स हैं वो तो हमारे पास में ये हो गया. लेकिन हमारे पास में एक कॉलम कितने हैं. कॉलम कितना है ओनली 1 कॉलम है. मैंने इसको कॉलम वाइज और रो वाइज अरेंज किया है. तो कॉलम यहाँ पे कितना है 1 कॉलम है. और वॉल्स कितने हैं हमारे पास में. सर्कल्स कितने हैं 2. ठीक है देन 2 वन जा 2 टू टेकन 1 टाइम्स. 2 को हमने 1 टाइम लिया है रिपीट किया है. देन 2 वन जा 2 2 को हमने 2 टाइम्स रिपीट किया है. कितने टाइम्स रिपीट किया है 2 टाइम्स. 1 टाइम तो ये हो गया इस वाली रो के अंदर. सेकेंड टाइम इस वाली रो में. ठीक है देन 2 टू जा 4. हम लोग इनको सेपरेट करके भी यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं. ठीक है इस तरीके से आप इनको सेपरेट भी कर सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो. ठीक है ये सेपरेशन मैंने इसलिए किया है ताकि आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सको. ठीक है आप लोग भी अपनी नोटबुक में इसी तरीके से बना लीजिए. और इनका सेपरेशन कर लीजिए. मैंने इनको सेपरेट भी कर दिया. अब हमने 2 को कितने टाइम्स लिया है 2 टाइम्स. देन 2 टू जा 4. कैसे पता चला हमें 2 प्लस 2 इक्वल टू 4. ठीक है इस तरीके से हमारे पास में 2 टू जा कितना हो गया 4. अगेन हम देख रहे हैं 2 थ्री जा 6. 2 को हमने 3 टाइम्स रिपीट किया. 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 6. इसी तरीके से हम बाकी कंडीशन को करेंगे. 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 2 टेकन 4 टाइम्स. 2 को हमने कितने टाइम्स लिया है 4 टाइम्स. देन 2 4 जा 8. अगेन 2 5 जा 10. 2 6 जा 12. 2 7 जा 14. 2 8 जा 16. 2 9 जा 18. 2 10 जा 20. इसी तरीके से आपको बाकी के टेबल्स राइट आउट करने हैं. ठीक है टेबल ऑफ 2 मैंने यहाँ पे रख के है. आपको टेबल ऑफ 3, टेबल ऑफ 4, टेबल ऑफ 5, टेबल ऑफ 6, 7 एंड 8 एंड 9, 10 ये सारी टेबल्स आपको राइट करके देखनी है. आप इनको ट्राई कर सकते हो. ठीक है इसके बाद में अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कम्बाइंड टेबल कैसे राइट आउट कर सकते हैं. ठीक है कम्बाइंड टेबल राइट आउट करने के लिए आपको एक सीरीज बनानी होगी. ठीक है वो सीरीज कैसे होगी अभी मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ. ठीक है ये हमारी एक सीरीज बनानी है हमें. ठीक है इसमें हम लोग सीरीज को कैसे राइट आउट करेंगे. पहले सबसे पहले तो आपको ये करना है 1 to 10 की यहाँ पे राइट करनी है काउंटिंग. फिर इधर हमें 1 to 10 काउंटिंग राइट करनी है. ठीक है बीच में हमें क्रॉस का साइन लगाना है. क्रॉस का साइन क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे इट मीन्स 1 × 1 इक्वल टू 1. इस तरीके से हमने यहाँ पे शो कर दिया मल्टीप्लीकेशन टेबल. अब हम यहाँ पर वापस से किसकी राइट करेंगे काउंटिंग 1 की. देन 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है और अब हम इधर भी सेम टू सेम राइट कर देंगे
वन लिखा हुआ है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है। सेम टू सेम आपने यूज किया ना, वन टू टेन की पहले काउंटिंग लिखी थी आपने, और वन टू टेन की काउंटिंग इधर लिखी हुई है, बीच में हमारा किसका साइन है, मल्टीप्लीकेशन का या फिर इसको क्रॉस का साइन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने इनको मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पे नंबर ऐड किया, वन वन जा वन, वन टू जा टू, वन थ्री जा थ्री, वन फोर जा फोर, वन फाइव जा फाइव, वन सिक्स जा सिक्स, वन सेवन जा सेवन, वन एट जा एट, वन नाइन जा नाइन, वन टेन जा टेन, ठीक है। वन से लेके टेन तक की आपने यहाँ पे काउंटिंग राइट कर दी, इधर भी आपको सेम काउंटिंग राइट करनी है, ठीक है। आपका मल्टीप्लीकेशन रॉन्ग नहीं होगा, इससे आपकी जो टेबल आएगी वो भी बिल्कुल सेम आएगी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये सारी चीजें लिख ली है, यहाँ पे जो भी नंबर राइट करोगे आप उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एडिशन करना पड़ेगा। एडिशन लाइक हम यहाँ पे करेंगे, ये टू है ना हमारा, इसमें हम टू और एड करेंगे, राइट फोर। अगेन अब ये जो टू आया है उसमें हम लोग टू एड करेंगे, सिक्स, अगेन टू एड करो एट, अगेन टेन, ट्वेल्व, फोर्टीन, सिक्सटीन, एटीन, ट्वेंटी, ठीक है। ये वाली लाइन हमें एज इट इज रखनी है और ये भी एज इट इज रखनी है। यहाँ पर भी हमें वन टू टेन राइट करना था और यहाँ पे वन लिखा हुआ है तो टू से टेन तक की हमने काउंटिंग राइट कर दी। अगेन ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है या इसको राइट किया है, इसमें क्या किया हमने, इस लाइन में जितने भी नंबर्स थे, यहाँ टू से हमने स्टार्ट किया था ना, तो उसके बाद में जितने भी नंबर्स होंगे उनको टू टू एड करते जाएंगे उनके अंदर, ठीक है। अब हमारे पास में नेक्स्ट लाइन है थ्री वाली, थ्री के अंदर हम लोग एड करेंगे थ्री को, इसको एड करेंगे थ्री को, थ्री प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स, थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस थ्री इक्वल टू नाइन, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन, एटीन प्लस थ्री ट्वेंटी वन, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी सेवन, थर्टी, ठीक है। इस तरीके से आपको राइट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करनी है, नेक्स्ट लाइन में हमारे पास में फोर लिखा हुआ है, इट मीन्स जितने नंबर्स होंगे उनमें फोर फोर का गैप होगा, तो राइट करो फोर प्लस फोर एट, राइट कर दिया हमने, सब में फोर फोर का गैप है हमारे पास में। अब हम यहाँ पे गैप राइट करेंगे फाइव का, देन फाइव प्लस फाइव टेन, टेन प्लस फाइव फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव, थर्टी, थर्टी फाइव, फोर्टी, फोर्टी फाइव एंड फिफ्टी, ओके हमने राइट कर दिया। अब हम नेक्स्ट लाइन में कितने का गैप रखेंगे, सिक्स का गैप, सिक्स टू जा ट्वेल्व, नेक्स्ट में हम लोग किसका गैप रखेंगे, सेवन का, सेवन, नेक्स्ट लाइन में एट का गैप रखेंगे, एट है ना यहाँ पे हमारे पास में, तो हम गैप कितने का रखेंगे, एट का, ठीक है। अगेन हम गैप रखेंगे नाइन का, और नेक्स्ट लाइन में टेन का, थर्टी, फोर्टी, फिफ्टीन, सिक्सटी, सेवेंटी, एटी, नाइनटी एंड वन हंड्रेड, ठीक है। इस तरीके से हमें हमारी यहाँ पे काउंटिंग
राइट कर देनी है। आई होप आप सभी को यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। आपको कैसे राइट करना है, इस तरीके से आपको टेबल्स राइट कर लेनी है। सबसे पहले इधर 1 to 10 काउंटिंग, और इस लाइन में भी हमें 1 to 10 काउंटिंग राइट करनी है। फिर आपको नेक्स्ट लाइन में भी 1 से 1 का गैप रखना है। आपने 1 राइट किया ना, 1 का 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 1 5 5, 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से राइट कर लेना आपको। फिर इनमें 1 का गैप रखना है। फर्स्ट लाइन में आप 1 का गैप रखोगे, सेकेंड वाली जो लाइन है उसमें 2 का गैप है, थर्ड वाली लाइन में 3 का गैप है, इसमें 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यूअसली आपका जो रेस्पेक्टिवली आ रहा है गैप, आपको वो गैप राइट करके सारे नंबर्स राइट आउट करना है। अब आप इससे कोई भी काउंटिंग लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसी भी नंबर की टेबल पूछी जाती है 1 से लेकर 10 के बीच में, तो आप लोग उसको इजीली राइट कर सकते हो। कैसे राइट कर सकते हो, देखो अगर आपसे पूछे कोई 9 8 का कितना होता है, 9 यहाँ पे है आपके पास है, ठीक है, और 8 का है ये, ठीक है, 9 8 जा, तो हम इससे इस तरफ आएंगे जहां पे हमारे पास में 9 अभी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 8 जा 72, ठीक है। आ गया आपने पास में नंबर। अब ऐसे अगर आपसे कोई और नंबर पूछे 6 6 जा, कितना पूछे 6 6 जा, देन 1 2 3 4 5 6 6 6 जा 36। आगे आपने पास में नंबर, इस तरीके से आप 1 से लेके 10 तक की जो टेबल्स हैं उनको इजीली राइट कर सकते हो, ठीक है। आपसे कोई कुछ भी पूछ ले इसमें आप लोग बता सकते हो। जैसे आपसे मैं पूछूं 3 5 से कितना होगा, देन 3 ये ना, आप 3 को सर्कल करो, 5 को सर्कल करो, यहाँ पे जो नंबर होगा वो आपका नंबर होगा 3 5 15, या फिर 5 3 जा भी आपसे पूछा जाए तो वो भी कितना होगा 15 होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपनी जो टेबल है उसको काउंट कर सकते हो, राइट आउट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरीज देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।